मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड पेश करते हैं बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, देश भर में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के तूफानी दौरों पर हुई चर्चा। रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों के बीच असदुद्दीन ओवैसी का विवादास्पद बयान, कहा नौजवान मस्जिद को रखे आबाद, सत्येंद्र दास बोले अब नहीं है मुगलों का राज। नीतीश कुमार की कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं के साथ कल बैठक, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के बड़े नेता नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव दे सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की कनाडा को दो टूक, कहा खालिस्तानी ताकतों को जगह देना कनाडा के हित में नहीं, पाकिस्तान की बातचीत और आतंकवाद साथ साथ वाले पुराने खेल को किया खत्म। इश्यू एट हार्ट इज द फैक्ट दैट इन कैनेडियन पॉलिटिक्स दीज खालिस्तानी फोर्सेस हैव बीन गिवन अ लॉट ऑफ स्पेस, आई थिंक आर डैमेजिंग टू द रिलेशनशिप। मिशन दक्षिण के दो दिन के दौरे पर शुरुआत में तमिलनाडु में पीएम मोदी ने की कई विकास योजनाओं की शुरुआत, लक्षद्वीप और केरल का भी करेंगे दौरा। 2014 से पहले के 10 साल में तमिलनाडु को जितनी राशि केंद्र सरकार के मिली थी उससे 2.5 गुना ज्यादा राशि हमारी सरकार ने दी है। जापान में रनवे पर आमने सामने की टक्कर के बाद दो विमानों में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित बाहर आए। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की अहम खबर के साथ शुरुआत करते हैं, जहां लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी का नया नारा सामने आया। बीजेपी का नारा है तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। तो ये बड़ी खबर बीजेपी के नए नारे के साथ में, लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का ये बड़ा नारा सामने आया है। यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, ये नया नारा 2024 के लिए और क्या तैयारी, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने एक संगठन की और सरकार के मंत्रियों की एक कमेटी गठित की, 8 सदस्यीय टीम है, जिसकी आज पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा और सुनील बंसल, विनोद तावड़े सहित अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव, मनसुख मंडाविया और तरुण चुग, ये लोग थे। उन्होंने आज रणनीति बनाई और इसमें एक नया नारा दिया कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, पॉजिटिव मैसेज जाए कार्यकर्ताओं में कि अब की बार 400 पार।